मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू दी ब्लॉग। जो आज का ब्लॉग शुरू होने वाला है, तो उसमें क्या हुआ कि हमने क्या किया था कि फ्यूल भरवाया था पेट्रोल पंप पे। आई डोंट नो कौन सा फ्यूल था। हुआ यू है कि पापा को सुबह कॉल आया कि आपका कुछ प्राइस निकल गया हुआ है। तो जो आज का ब्लॉग स्टार्ट होने वाला है कि हम वहीं पर जाने वाले हैं, तो मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ पूरी, और आपको बताने वाला हूँ कि जो भी इनका प्राइस निकला हुआ है वो क्या है और इनको मिला क्या हुआ है। तो मेरे आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है यही है। लेट्स सी, यार देखते हैं कि इनको जाके इनका क्या निकला हुआ है और कौन सा प्राइस इनको मिला हुआ है। जो हमारी टाइमिंग रहेगी, उन्होंने हमें बुलाया हुआ है 3 बजे से लेकर 4 बजे तक। उन्होंने कहा था कि ज़्यादा हम लंबा खींचेंगे नहीं क्योंकि कोविड चल रहा है, तो 3 से लेकर 4 बजे तक चलने वाला है। तो चाहेंगे, यार देखता हूँ गाड़ी, भाई गाड़ी जो है वो भाई लेके हुआ है। तो फिलहाल मम्मी पापा, वैसे बाइक 3 पड़ी हुई है, एक मैं लूँगा और मम्मी पापा अपनी अलग बाइक लेंगे। तो जाएंगे हम, बताएंगे आपको क्या क्या होने वाला है, क्या क्या प्राइस निकलेगा, वो मैं आपको सब आगे दिखाऊंगा शूट जब वीडियो शूट करूँगा। जहाँ पड़ा वो घर के अंदर देख सकते हैं, क्योंकि कचरा इन कि घर में काम लगा हुआ है, ऊपर थोड़ा वर्क लगा हुआ है, आपको ऊपर भी दिखाऊँगा मैं थोड़ा सा। देख सकते हैं काफ़ी काम लगा हुआ है ऊपर, पूरा तोड़ दिया वो ऊपर से, पूरी दीवार थी यहाँ पर, अभी काफ़ी काम लगा हुआ है। छोटा सड़ गया, हेलो, इसको जब भी कुछ बोलो तो हंसता है ये, देखो दिल हंसता रहता है ये। तो भाई लगा हुआ सेब खाने, ये मेरे छोटे छोटे दोस्त हैं। हेलो, ये देखो कोई रिप्लाई नहीं, इधर भी इग्नोर बसता है। तो ये बाइक पड़ी है अपनी, एक ये वाली बाइक है, एक ये वाली बाइक है, और ये भी है। हेलो। और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये वाली बाइक लेके जाऊँ, आपको मैं दिखाता हूँ पास से कौन सी बाइक है ये। ये आप उनकी फेवरेट बाइक है भाई। अरे भाई बाप रे बाप, तो भाई ये वाली बाइक लेके जाएगा, तो पापा लेके जाएंगे प्लेटना, क्योंकि इस पे मम्मा वगैरह तो बैठ नहीं सकते हैं। तो ये अपना घर है, ऊपर काम चल रहा है, पूरा पीछे वाली साइड काम चल रहा है। तो इन दोनों में से पापा को भी शायद से ये वाली बाइक लेंगे, और ये वाली यहीं पे रहेगी बड़ी। तो गाइस मैं हो चुका हूँ रेडी, हेलमेट मैंने डाली हुई है, यू नो आपको पता सेफ्टी पहले होती है, कुछ भी करने से पहले सेफ्टी पहले होती है। सो रेडी हो चुका हूँ मैं, मम्मी पापा भी पीछे से आ रहे हैं, वो दूसरी बाइक पर जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अपनी अपाचे पे, पीछे लगाई हुई है। तो चलते हैं भाई लोग, आप रख देता हूँ। गाइस मेरे पास GoPro पड़ा हुआ है, बट वो मैं बाद में यूज़ करूँगा, अभी मैं चलो चलता हूँ बाइक पर, अब आपको मिलूँगा मैं रास्ते में, ठीक है। तो गाइस राइट नाउ मैं जा रहा हूँ जीवल के ऊपर जो पुल जाता है हाईवे वाला, वहाँ पे जा रहा हूँ मैं फोन इसको, एक्चुअली इसमें एक बोर्ड हार्बन बोर्ड है, उसमें बाइक ऑटोमेटिक चलती है। मैंने सोचा कि थोड़ा शूट कर लेता हूँ, आपको थोड़ा रास्ते में दिखा देता हूँ। तो मे भी मैं पहुँच चुका हूँ गांधीनगर गोल मार्केट में, जहाँ की उन्होंने डेस्टिनेशन प्राइस ने लगा था कि अराउंड यहीं पे पहलवान में एक स्वीट है, यहाँ पे काफ़ी मशहूर है। उन्होंने कहा था कि आप वहाँ पे आ जाना, वरना आपको हम कॉल पे बता देंगे। तो राइट नाउ मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पे, आपको मैं पीछे से फ्रॉम बिहाइंड। तो ये लगी आप हमारी बाइक, एंड
वेट कर रहा हूँ मम्मी पापा का। मैंने मम्मी पापा को कॉल करके पूछा कि कहाँ पे हो, तो वो बोलते हैं कि अभी तो कहाँ पहुँचे हैं, विक्रम चौक अराउंड यहाँ से कोई इनको लग जाएंगे 15 मिनट और लग जाएंगे। तो ठीक है मैं जल्दी आ गया, जल्दी भी नहीं आया, मैं नॉर्मल स्कूल पे आया, बट पापा मम्मी पापा ऐसा ऐसा आए थे बाइक पर, तो कोई ना वेट करते हैं उनका यहीं पर। ठीक है फाइनली गाइस राइट नाउ मैं आ चुका हूँ। जो भी था इनका प्रोग्राम ऊपर थी वीडियो शीडियो बनाई मैंने थोड़ी अंदर से, वैसा नहीं था जैसा सोचा था। आई थिंक पापा को थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया था कि हाँ गिफ्ट वगैरह दिया हुआ है, छोटा सा गिफ्ट दिया मुझे लगा कुछ और अच्छी चीज़ होगी, बट वैसा कुछ नहीं था, नॉर्मल सा था सिस्टम। बाकी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये एरिया था पीछे वाली साइड, क्या लिखा हुआ ये इंश्योरेंस कंपनी, कुछ इंश्योरेंस कंपनी थी जो बोल रही थी कि अगर आप यहाँ पे ये कराओगे 10 साल के लिए देन आपको पैसे मिलेंगे कुछ मिलेंगे, देखेंगे। मुझे प्लान काफ़ी अच्छा लगा, तो जाऊँगा घर जाके देखेंगे क्या था। वीडियो उन्होंने बनाने नहीं दी क्योंकि वो बोल रहे थे कि वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं है, तो वीडियो चलो मैंने अंदर की बनाई थी बट मैंने डिलीट कर दी क्योंकि वो बोल रहे थे कि उनको बुरा ना लगे, दीदी थे कोई अंदर, तो लेट्स सी चलो चलते हैं यार। बाकी रही बात बाकी तो बाकी बाद में बात कम लाएंगे, तो चलते हैं। अपनी बाइक यहाँ लगाई है मैंने, निकालता हूँ और यहाँ से चलता हूँ। तो गाइस मैं पहले आपको वहाँ का एक्सपीरियंस बताता हूँ जहाँ मैं मम्मी पापा के साथ गया। एक्चुअली वो कोई प्राइज़ वगैरह नहीं निकला था, बड़ा स्कैम हो गया हमारे साथ। एक्चुअली होता ना वो जो पेट्रोल पंप पे कुछ वो फॉर्म शॉर्म जो भी टोकन शोकन देते हैं, तो जब उन्होंने कॉल किया था तो उन्होंने बोला था कि अरे भाई आपका वो आपका गिफ्ट निकला हुआ ये निकला हुआ, वो जस्ट उनका एक वो था, एक ऐसा वो था प्रैंक टाइप का था, आई डोंट नो प्रैंक नहीं था, एक टेक्निक थी कि आपका गिफ्ट निकला हुआ आप आओ, तो एक किस्म का आप लोगों को वो करते हैं ना बहला फुसला के, तो वो किस्म का था। हम वहाँ गए, हमने जब वहाँ पहुँचे वो कोई इंश्योरेंस कंपनी निकली, बोलती आप ये कराओ हमसे, आप वो कराओ हमसे, ये कराओ। एक घंटा उन्हें बिठा के रखा, पापा का टाइम भी वेस्ट किया, पापा पुलिस में है उनका टाइम भी वेस्ट किया, मम्मा का टाइम भी वेस्ट किया। लास्ट में जब हम वहाँ पर आए वापस, तो बाद में जब हम वहाँ वापस आए तो पता लगा, मैंने देखा कि मैंने यार ये क्या है, मैंने उनको बोला कि यार ये तो कुछ और ही सिस्टम है यहाँ पर। तो जाते हुए तो उन्होंने एक छोटा सा बोलते गिफ्ट टोकन पकड़ाया, गिफ्ट का वहाँ से वो चले गया। फिर वहाँ से हम लेके वो गिफ्ट का टोकन लेके निकल गए वहाँ से, ठीक है गिफ्ट टोकन लेके तो निकल गए हम वहाँ से। तो मैंने अब सोचा कि वहाँ से अब मैं दिन तो अभी उन्होंने वेस्ट कर ही दिया हुआ है, तो मैंने अपनी बाइक लगाई यहाँ पर और मैं आ गया हूँ सुमित के घर वाली साइड। तो अभी सुमित को मैंने बुलाया कॉल करके कि भाई तू आ जा, सुमित भी अभी आ रहा है, तो वेट करते हैं सुमित का। अभी मैं कर रहा हूँ सुमित का वेट यहाँ पर, वो लगी पीछे बाइक। आपको मैं कुछ यहाँ पे दिखाता हूँ बकरियाँ, देखो गाइस वहाँ पे भी हैं। सुमित का वेट कर रहा हूँ कि सुमित कब आता है, तो देखते हैं। ओ बेंच गिरने वाला था साला, गिरते गिरते बच गया। गाइस आ चुका हूँ मैं सुमित के पास, अपना फ्रेंड पीछे मास्क डाल के बैठा हुआ है, देख लो इसको कोरोना को ज़्यादा ही खा रहा है। तो चलो मैंने बोलो कोई बात नहीं, वहाँ से तो होकर आ गए तो अपने भाई सुमित से मिल लेते हैं आकर। तो अभी मैं और सुमित थोड़ा जाएंगे यहाँ से, कुछ कोल्ड ड्रिंक चिप्स वगैरह लेंगे और घर बैठ के खाएंगे। मजाक कर रहा हूँ यार, कोल्ड ड्रिंक चिप्स थोड़े बोल रहा हूँ। सुनना इसको तो